तूने मुझे उल्लू बनाया और उसके साथ मिलकर तूने मेरे साथ खेल खेला, ये समझने में मुझे बहुत देर हो गई। तू मेरा पुराना दोस्त है लेकिन तुझे समझने में मुझसे चूक हुई। इस कमीनी के साथ मिलकर तूने मेरा सारा पैसा लूटा, फिर मुझे ही खत्म करने का गेम प्लान बनाया। मैं तुझे ही खत्म कर देता हूँ। आपका सस्पेंशन खत्म होने के बाद कल से तो आप यूनिफॉर्म पहनेंगे, है ना सर? हाँ, क्योंकि कुछ काम बाकी है इसीलिए मैं ज्वाइन करूंगा। नियम कानून के हिसाब से चलने वाला और सामने कौन है ये देखे बिना काम करने वाला ऑफिसर अब मैं नहीं रहूंगा। अब ये साकिर अली बदल गया है। आपसे तो बस एक छोटी सी गलती हुई थी सर। आज से पहले मैं ईमानदारी से काम करता था और उसके बदले मुझे सस्पेंशन, केस और अपमान मिला। हम कुछ लोग मिलकर के पूरे सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते हैं सर। सुनो, पैसा ही सब कुछ है, सारी अच्छाई बुराई का जड़। और अब मैंने जीवन कैसे जीना है तय कर लिया है। सर, मुझसे पहले एक नेता ने एक सवाल पूछा था और कहा था कि जितना पगार लेते हो उतना ही काम करो, इसीलिए मैं ऐसा ही कर रहा हूं सर, और अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल मैं खाकी वर्दी पहनने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, आपकी राह पर चलूंगा। खोने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं तो फिर डर किस बात का है? ए, डर नहीं बे, एक टेंशन है अचानक हमारे पास इतने पैसे आने से। हमें सारे पैसों को काउंट करना चाहिए? उसके पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। बैंक में पुलिस कभी भी पहुंच सकती है। ठीक है, पहले शहर से बाहर निकलना चाहिए। तो हम सब कोर्ट में मिलते हैं, इस गेम को हमें ही जीतना है। चलो कल निकलो।
अच्छा एक बात बताओ, जो लूटने आए थे क्या उन लोगों में से किसी को तुम पहचान सकते हो? नहीं सर। सो लगता है ये प्लान करके किया गया है, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं थे। सर 10 करोड़ लूटे गए हैं सर। लेकिन जो पैसे लूटे गए क्या वो सारे नोट नए हैं? यस सर। उनके सीरियल नंबर्स पुलिस को चाहिए। सर उस गाड़ी से जिसे ठोका था उस सिक्योरिटी वाले को होश आ गया है सर। क्या वो उन लोगों को पहचान पाया? नहीं सर, उसे एक ब्राउन कलर की मारुति ओमनी ने टक्कर मारी थी और उस गाड़ी का नंबर है KL01L405। उठना यार, उठना यार। क्या हुआ यार? तू ड्राइव कर रहा था और तुझे ही बताना पड़ेगा। गाड़ी पलट गई क्या? अगर गाड़ी पलटी होती ना तो इस तरह से तू यहाँ जिंदा नहीं बैठा होता। अरे तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? सूर्या, हे उठ जा यार। सूर्या उठ जा यार, क्या कर रहा है? क्या हुआ, हम पहुंच गए क्या? कहीं नहीं पहुंचे हैं, हम यहाँ फंस गए हैं। चल उठ जाना यार, चल उठ जल्दी। पता नहीं क्या करता रहता है ये। कैसे हुआ? अरे यार क्या कर रहे हो? टायर तो पंचर हो गया। क्या करे, कहां फंस गए? अरे यार यहाँ पे जैक और लीवर नहीं दिख रहे। यार बॉर्डर जल्दी में क्रॉस करने के चक्कर में मैं ये सब। अच्छा ठीक, शराब पीना तो नहीं भूला ना? अरे दूर दूर तक कोई आदमी भी नहीं दिख रहा। शराबी है। क्या? मैंने क्या किया? अरे पैसे। अरे बैग है। जरा संभल के। अच्छा हुआ। आराम से आराम से आराम से आराम से। फालतू में टेंशन हो गया था यार। मैं तो डर ही गया था यार।
हाँ? क्या कर रहा है भाई तू? अरे कोई है क्या, वही देख रहा था। हे, पागल हो गया क्या? अरे हम जंगल में फंस गए, इसलिए आवाज निकाली ताकि कोई सुन ले। हाँ तो हे उधर देख। हाँ? क्या हुआ? वो हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। रात को कोहरे की वजह से गाड़ी यहाँ पे फंस गई है। यहाँ पर सावधानी से ड्राइविंग करना जरूरी है। आप लोग कहाँ जा रहे हो? अब हम एक ट्रिप पे जा रहे थे। क्या है कि टायर बदलने के लिए हमें जैक और लीवर नहीं मिल रहा है, यहाँ कहीं आसपास मिल सकता है क्या? लीवर मेरे घर में है या नहीं देखना पड़ेगा। यहीं पास में ही है क्या? बिल्कुल नजदीक ही है। ओके ओके, मैं हूँ सकरिया, सकरिया विलियम्स। सूर्या। ओ अमर। अमर शिवन। अगर आप बुरा ना माने तो हम आपके साथ। तुम तीनों ही साथ आ जाओ, नहा धोकर फ्रेश भी हो जाना, हमारे गांव की मशहूर दवा पिलाता हूँ फिर। आ जाओ। इस जगह पे और लोग नहीं रहते क्या? नहीं, ये सुनसान जगह है। आप करते क्या हैं? बिजनेस। क्या बिजनेस? कोई भी बिजनेस जिसमें मुझे प्रॉफिट मिले वही करता हूँ। आ जाओ। भाई साहब, आप यहां अकेले रहते हैं क्या? हाँ, ये मेरे एक फ्रेंड का घर है जो यूके में रहता है, वो कभी कभी आता जाता रहता है और इस जगह की देखभाल मैं करता हूं। आ जाओ। सुनो, हम तीनों में से एक को हमेशा पेटी के साथ रहना होगा। आ जाओ। आ जाओ, बैठ जाओ। मैं अभी आता हूं। उफ, कहीं वो गाड़ी पलट जाती तो क्या होता? गाड़ी पलटी तो नहीं ना? अरे ये भाई साहब कहां चले गए? आ जाओ, बैठो बैठो। अरे थोड़ा बर्दाश्त करो। अच्छा सुनो, दूध नहीं है तो ब्लैक टी चलेगी ना? चलेगा। ओके। हम्म
बस भी कर। भाई साहब, हाँ, यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है, एक स्मॉल मिल जाता तो स्मॉल मेरे पास जो थी वो खत्म हो गई। अरे, तो फिलहाल एक काम करो, इसी से काम चला लो। धन्यवाद। ब्लैक टी, काली चाय, ब्लैक टी। सीपीएम केंद्रीय कमेटी आज दिल्ली जाने वाली है और विपक्ष पार्टी के साथ इस विषय में चर्चा करने वाली है। खबरों के लिए बने रहिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हाँ, ब्लैक टी, हाँ लो पी लो। भाई साहब, अगर गाड़ी के टूल्स मिल जाते तो हम जल्दी यहाँ से निकल जाते। जल्दी निकलना है? हाँ, हमें कुछ काम है एक्चुअली। अभी हमें लेट हो रहा है। वह नजरा स्टोर में देख के आ रहा था। आगे के समाचार। देवनागरी के विजयपुर में एक बैंक में 10 करोड़ रुपए की लूट हुई है। ये घटना कल रात की है। ऐसा माना जा रहा है कि बैंक के पीछे के रास्ते से लुटेरे बैंक के अंदर घुसे। 3-4 लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस इस विषय में बैंक के कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है। बैंक की सीसीटीवी फुटेज में भी पुलिस को अब तक कोई सुराग। नहीं, नहीं, बेवकूफी वाला काम मत करना। मुझे मारकर तुम लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है, और अगर मुझे जिंदा रखोगे तो फायदा तुम्हें जरूर होगा, यकीन करो। सच कह रहा हूं। एक बात तो तुम भी जानते हो और मैं भी, कि ये खून पसीने की कमाई तो बिल्कुल नहीं। ये उस बैंक में आए नए नोट हैं, इसलिए तुम इन्हें आपस में बांट नहीं सकते हो, और इसीलिए ट्रांजैक्शन बहुत सावधानी से नहीं की तो इसके सीरियल नंबर की वजह से बैंक वाले नोटों को पहचान लेंगे। ये खतरनाक हो सकता है, तो कुछ दिनों के लिए ये नोट बाहर नहीं निकलने चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें पैसों की बहुत जरूरत है। अगर तुम्हें पैसे की इतनी ही जरूरत है तो उसके लिए एक रास्ता है। वो क्या है? इन नए नोटों को देकर तुम्हें किसी से पुराने नोट लेने होंगे, और फिर तुम तीनों को जितनी जल्दी हो सके इस राज्य से बाहर निकलना होगा, और इन सब में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, पर बदले में हमें क्या करना होगा? जिस बिजनेस में प्रॉफिट होता है उसमें मैं बहुत इंटरेस्ट लेता हूं। इन पैसों को अब तुम 4 हिस्सों में बांटोगे। नहीं, अभी वो नहीं होगा। इतने सारे पैसे को अगर मैं तुम्हारे साथ सुरक्षित भेज रहा हूं तो मुझे फायदा होना चाहिए ना। ओके, ये पैसे हम 4 हिस्से में बांट देंगे। और हाँ, जिससे नोटों को एक्सचेंज करेंगे हमें उसे भी कमीशन देना होगा। कमीशन? वो कितना देना होगा? उसके लिए मैं बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले ये कितना पैसा है हमें वो पूरा गिनना होगा। ठीक है। वो लोग जो नोट देंगे वो असली है कैसे पता चलेगा? उसकी फिक्र मत करो, वो हम चेक करके ही लेंगे। और हाँ, उस कार को हमें वहां से यहां लाना होगा। हाँ। टूल्स स्टोर रूम में होंगे, मैं देखता हूं। यार, ये काम हम लोग खुद ही करें तो? कैसे यार, इस आदमी की बात हमें माननी पड़ेगी, और वैसे भी इसे हमने खर्च किया तो हम पकड़े जाएंगे। फिलहाल तो हमें विश्वास करना ही पड़ेगा। अभी याद आया, लीवर यहां नहीं है पर एक रास्ता है। यहां से थोड़ी दूरी पर एक एक्स मिलिट्री वाले का घर है, वहां गाड़ी का लीवर भी मिल जाएगा, और तुम चाहो तो तुम्हें लिकर भी मिल जाएगा। देखो, अब तो हम लोग दोस्त बन गए हैं ना,
तो अब तुम लोग अपने असली नाम बता दो मुझे। आलोक। अमर। सूर्या। 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 उस गाड़ी की चाबी लेकर अमर मेरे साथ आएगा, आ जाओ। जाऊं क्या? ये लो, जा। इस सीजन में टूरिस्ट यहां आकर के फुल होना चाहिए ये। अबे रोमियो, सुबह सुबह तुम मोबाइल में लगे पड़े हुए, तुम्हें पता है ना रिजॉर्ट में कितना सारा काम है? तुम यहाँ मोबाइल में लगे हुए हो और मैं मालिक होकर के नौकर की तरह काम कर रहा हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आता है कि यहाँ क्या करना है क्या नहीं है? चला रहा। मैं कुछ जरूरी काम से जरा शहर जा रहा हूँ। हाँ। वो जो सेटअप पार्टी आई हुई है ना, उसे बराबर टाइम पर चेकआउट कर देना और दोबारा किसी सेटअप पार्टी को रूम मत देना, चाहे वो लोग कितना भी पैसा दें, हम थोड़े में ही काम चला लेंगे। चलेगा। गुड। अभी यहाँ कोई रूम के लिए आया, वो सेटअप है या नहीं ये जान के उसे रूम दे देंगे तो चलेगा क्या सर? तुम्हें किसी को कुछ देना नहीं है भाई, जाओ यहाँ से। ऐसे आदमी को स्टाफ बनाया है, मुझे ही तकलीफ देता रहता है दिन रात। इधर चश्मा पहन के हीरो मत बन, जाके रूम की सफाई कर। हाँ। हाँ हाँ, बस यहीं रुक जाओ यहीं। जब जरूरत पड़ती तभी से बाहर निकालता हूँ। कैसी चलती है ये? बहुत बढ़िया। टूल्स यहाँ मिल जाएंगे और हाँ। तुम्हारी जरूरत की वो चीज भी। अभी आता हूँ। ओके। इंटेलिजेंस के मुताबिक इस राज्य में जितने भी बाहर के लोग हैं उनके डिटेल्स और फोटोग्राफ्स मुझे तुरंत मेल कीजिए। हाँ सर, ऐसी खबर मिली है कि आज सुबह वो ब्राउन कलर की ओमनी कार हमारे राज्य के बॉर्डर से गुजरी है सर। वो तो हमारे राज्य का बॉर्डर है ना? यस सर, लेकिन KL01L405 नंबर की गाड़ी देवनागरे के रहने वाले हैरी कुमार की इंडिगो कार का नंबर है। जो भी हो, उस गाड़ी में जितने लोग जा रहे थे उन सभी को हमें पकड़ना होगा। सुनो सर, उनका पीछा करने के लिए तैयार हो जाओ। कार कहां पर है? वो वहां है। अच्छा, इसकी नंबर प्लेट तो नकली है ना? हाँ। असली कहाँ है? अंदर है। लो, तुम्हारा भी काम हो गया अब। ऐसी ठंड में नीट ही अच्छी है। ये रही। हाँ। आप पीजिए ना। चीज़। चीज़। थैंक्स। चीयर्स। ये बताओ, तुम तीनों गहरे दोस्त हो क्या? मेरा दोस्त सूर्या है, आलोक उसका रूममेट है। तो फिर हम दोनों में दोस्ती ज्यादा होगी। फिर तो शक करना चाहिए। क्यों?
जब तुम बक्सा उठा रहे थे तो नोट बाहर कैसे गिर गए? वो बॉक्स खुला हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो खुला हुआ नहीं था, उसे खोलकर रखा। किसने? था। मैंने। अब तुम ये सोच रहे हो ना कि उस बक्से में नोट ही होंगे, ये मैं कैसे पहचान पाया था? सोचो। हा? वो कुछ ज्यादा ही नाटक कर रहा है, उसकी मनमानी हम क्यों सहते रहे? हाँ, उसने क्या गलत कर दिया यार? हम यहां से निकलने के बाद उसे कुछ दे के हटा देंगे, और वैसे भी ये काम कोई पहाड़ तोड़ने जैसा थोड़ी ना है यार। मैंने कहा था कि उसे मत बुला। काम आराम से हो जाए इसीलिए तो मैंने उसे बुलाया था, और उसने वैसा किया भी। हमारा काम हो जाए फिर उसे छोड़ देंगे। तीन में से एक को हटाना है तो मौत। वैसे भी वो उसी के लायक है, नहीं तो यहां से जाते समय उसे खाई में धकेल देंगे, और ये जो पैसे हैं इसे हम आपस में बांट लेंगे। तुम्हारे सामने अब दो ही रास्ते हैं। अगर खुद की जान बचानी है तो तुम्हारा उन दोनों से अलग होना बहुत जरूरी है। और सुनो, इससे पहले कि वो तुम्हें मारे, तुम्हें उन्हें मारना होगा। और इसके आगे का सौदा हम दोनों के बीच होगा, वो पैसा दो हिस्सों में बांट लेंगे। लेकिन फिर उन्हें कैसे? सिर्फ ताकत से ही नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। सबसे पहले उन दोनों को अलग करना होगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस मेरा साथ दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कितने? पूरे 10 करोड़। अगर 4 हिस्से में बांटे तो एक आदमी को 2.5 करोड़ मिलेगा। छह। अगर 3 हो तो? अब ये नहीं हो सकता है। ये बता, कहां था तू अभी तक? सब जगह ढूंढ रहा था, सोचा उस विलियम का कुछ डिटेल मिल जाएगा, लेकिन तो कुछ मिला नहीं क्या? नहीं, कुछ नहीं मिला। जब तक वो खुद नहीं बताएगा हम कुछ नहीं जान पाएंगे, यही मुश्किल है। एक बार अगर कुछ सोच लिया तो वो काम पूरा करके आता है शकरिया। और साथ में ये
ये भी लाया हूं। आ जाओ। तुमने वो पैसे गिने कि नहीं, कितने हैं? मैंने सारे पैसे गिन लिए, पूरे 10 करोड़ हैं। तो फिर मैं पार्टी को बुलाता हूं, सौदा हम यहीं करेंगे। ठीक है। यहां सब सुरक्षित है। ये लो। कल सुबह वो आदमी पैसा लेकर आएगा, 8 करोड़। 8 करोड़? बाकी 2 करोड़ तुम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए लेगा वो। तुम लोगों को पुराने पैसे मिल जाएंगे तो तुमने जब चाहो तब खर्च कर सकते हो, लेकिन उसे खर्च करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अभी फिलहाल हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ज्यादा लालच के बारे में सोचने से अच्छा है हम अभी के हालात के बारे में सोचें। हमें खुद को सुरक्षित रखना है और यही हमारे लिए ठीक है। ठीक है, हम सभी तैयार हैं। अब सबको भूख लगी होगी ना, तो फिर सोच कर रहे हो चलो सब मिलकर खाना पकाते हैं। आ जाओ। वो गाड़ी अभी तक हमारे राज्य के बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया। देवनागरी चेक पोस्ट क्रॉस किए हुए 6 घंटा हो चुका है सर। हो सकता है वो किसी दूसरी गाड़ी से उस राज्य में घुस चुके होंगे, या फिर उसी जंगल के इलाके में ही कहीं ठहरे होंगे। तो फिर हमारे पास मौका है ना सर? हाँ, तैयार है ना? चलो सब अपने अपने जाम उठा लो। ये लो। लो तुम भी लो। तो चीयर्स। 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 गैस खत्म हो गई है शायद। ओ मैं भूल ही गया था, बाहर गोदाम में है, वहां से लाना होगा। चलिए चलते हैं। हाँ उठाओ इसे, उठाओ। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। भाई साहब। हाँ? आप साफ साफ बताइए, अगर मैंने डबल गेम खेला तो आप मेरा साथ देंगे क्या? मैं समझा नहीं। पैसों के मामले में उन दोनों को रास्ते से हटाकर हम दोनों के बीच एक डील, क्या कहते हैं? अगर ऐसा हो जाए तो सारे पैसे हम दोनों के मिलेंगे जो हम बांट सकते हैं। प-
पर वो दोनों तो तुम्हारे दोस्त हैं ना? दोस्त तो हैं, लेकिन पांच लोगों में पैसे बटेंगे तो मैंने जो सोचा है वो भी नहीं हो पाएगा, इसलिए तो फिर उन्हें खत्म करना होगा। दोस्ती के बीच में मैं गलत काम नहीं कर सकता। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं करूंगा। पैसे की जरूरत तो मुझे भी बहुत है, लेकिन उन्हें हटाने के मामले में मैं रिस्क नहीं उठा सकता। भाई साहब, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरा साथ दीजिए। डील। ओके। ये चिकन कट कर तू। भाई साहब, चाकू कहाँ है? चिकन काटना है। चाकू बहुत शार्प है। हाँ। सावधानी से। मैं अभी आता हूं, ठीक है? क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं। अगर सोचना है तो जरूर सोचना चाहिए। क्यों? अपनी जान बचाकर यहां से निकलने के लिए तुम्हें सोचना बहुत जरूरी है। तुम्हारे साथ रहकर अगर मैं तुम्हें धोखा दूं तो क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे? नहीं। इसलिए कभी दोस्ती में और बिजनेस में धोखा नहीं होना चाहिए, सही कहा ना? लेकिन अगर ऐसा धोखा तुम लोगों के बीच में हुआ तो क्या करोगे? नहीं, वो लोग ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे वो लोग। आलोक, तुम नहीं करोगे, ओके? लेकिन वो लोग प्लान बना चुके हैं, साथ में रहने वाले दोस्तों को मारकर पैसा मेरे साथ बांटने की बात कर चुके हैं। मेरे साथ उन दोनों ने अलग अलग बात की, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए ऐसे लोगों पर हम विश्वास कैसे कर सकते हैं? सब कुछ होने के बाद वो लोग मुझे भी मार सकते हैं, क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं? मेरा मन कह रहा है कि मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये बात मैंने बहुत पहले ही सोच ली थी। अब तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता बचा है, वो लोग तुम्हें खत्म करने की सोचें, इससे पहले तुम्हें उन दोनों को खत्म करना होगा। जितनी बार मेरी उन दोनों से बात हुई ना, उसे सुनकर यही लगा कि कभी भी कत्ल हो सकता है। एक बात तो पक्की है, यहां पर कत्ल होगा, किसी का भी कत्ल हो सकता है, वो तुम भी हो सकते हो।
सावधान रहना। यह फिसल कर नीचे गिरा तो चाकू हाथ में लग गया। लकी था कि गर्दन में नहीं लगा। ओ, चलो दवा लगा देता हूं, आ जाओ चलो। हाथ को थोड़ी देर हिलाना मत। हाँ, चिंता की बात नहीं है। हाँ। इसे आराम करने दो, हम लोग मिलकर खाना तैयार करते हैं। हाँ जाओ। ये लो। उसे अगर पानी की जरूरत पड़ी तो दस करोड़ यहां रहेंगे तो सिर्फ तुम्हारे दिमाग नहीं चलेगा, उनका भी चलेगा। अरे किचन में रहना पड़ेगा, वहां पे बहुत गर्मी है। एक काम करो, तुम थोड़ा आराम कर लो। चलो हम दोनों चलते हैं। हाँ जाओ, सिर्फ तीन ही पैक बाकी हैं और फिर ये बॉटल खाली हो जाएगी। क्या हुआ, तुम्हारी तरकीब काम करेगी ना? कल सुबह तक का वक्त है। वक्त है ऐसा सोचकर इंतजार नहीं करना चाहिए।
जैसे ही मौका मिले उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। बैठो। ये लो। कोई खाना क्यों नहीं खा रहा है? सर यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाने पे एक बाय रूट है, वो रास्ता थोड़ा खराब है लेकिन उधर से जाने पे 1 घंटा पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन अंधेरा होने वाला है, कोहरा के कारण हमें आगे जाने में परेशानी होगी। जैसा आप कह रहे थे वो लोग कैंपिंग कर रहे होंगे, तो कल का दिन खत्म होने से पहले ही हम उन लोगों को पकड़ लेंगे। गन रखते हो आत्मरक्षा के लिए या फिर 10 करोड़ को कोई नुकसान ना हो उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, चाहे मुझे मरना पड़े या मारना पड़े। बिल्कुल सही सोच है, अपने चंचल दिमाग को काबू में कर लो तो तुम्हें सफलता जरूर मिलती है। पकड़ो। अरे क्या हुआ? हे कुछ नहीं हुआ है, तुम आराम से सो जाओ। हाँ नींद तो आ रही है। अब तुम क्या सोच रहे हो? बस मैं एक सही मौके का इंतजार कर रहा हूं। सबके मन में कुछ न कुछ प्लान चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। वो जो बची हुई दारू थी
वो आपके पास है ना? कल का दिन हमारा ही होगा। रात को यहाँ ठंड ज्यादा लगती है, और अगर आपके पास 10 करोड़ रखे हों तो आपको टेंशन होगी ही। ओ, ये वही पार्टी है जो आपकी टेंशन को दूर करेगी। हेलो माय डियर। हेलो जानेमन, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया। बेंगलुरु ट्रिप से आज सुबह ही लौटी हूँ, बहुत थक गई थी इसलिए सोई थी। अपनी नींद बर्बाद करके पैसा कमाया है ना? तुम कभी नहीं सुधरोगे। सुनो, फौरन यहाँ आ जाओ। फौरन? मैं कल आती हूँ। तुम इस सक्रिय के बारे में अच्छे से जानती हो ना? अगर बोला कि अभी आना है तो मतलब अभी आना है। ठीक है, मैं आती हूँ। सुंदरी, तो फौरन यहाँ आ जाओ। यहाँ मेरे कुछ दोस्त भी आए हुए हैं, वो लोग सर्दी से कांप रहे हैं। ओके ओके डियर, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सिसिली। अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी आ गई। जल्दी कहाँ आई, कोहरे की वजह से सड़क नजर ही नहीं आ रही थी। बहुत अच्छी। ये है सिसिली, मेरी गर्लफ्रेंड। आज से ये आप लोगों के, आहा, ये है सूर्या, आलोक, अमर। हाय। तो अब तुम लोग थोड़ी बातें करो, मैं और दूसरे इंतजाम करता हूँ। ओके सिसली, जरा इधर आओ। जस्ट अ मिनट। क्या हम इस सकरिया पे आंख बंद के विश्वास कर सकते हैं? ए, फालतू की बातें मत सोचो यार। वो लोग नीचे ही है ना? हाँ नीचे है। अब यहाँ का मामला खत्म करने का समय आ गया है, मैं कल सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा। पार्टी खत्म होते ही शराब और लड़की के चक्कर में ये तीनों आपस में लड़कर मर जाने चाहिए, यही तुम्हारा काम होगा। और इसे कैसे खत्म करना है वो जिम्मेदारी मेरी। तुम जानती हो ना, खेल में जीतने का रास्ता ये शकरिया जानता है। फायदा तुम्हें भी मिलेगा, तो फिक्र मत करो, ठीक है? हुँ?
आज के बाद मैं यहाँ नहीं दिखूंगा। तो फिर मैं भी आपके आने के बाद ही आऊंगी। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। ठीक उसी के जैसा ही मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सुनो, इसमें मैंने अपनी हॉट पिक्चर्स सेव करके रखी हैं। जब भी तुम्हें मेरी याद आए ये फोटोज देख लेना और फिर मुझे अपने पास बुला लेना। मैं अगर तुम्हें यहाँ लाया हूं तो मस्ती करने के लिए नहीं, मुझे पैसा चाहिए। तुम्हें बस इतना करना है कि मेरे रास्ते को अंजाम तक पहुंचाना है। फ्रांसिस कल बेंगलुरु से यहां आएगा, उसका पैसा लुट जाएगा ऐसा उसे शक होने लगा है। तो अब क्या करना है? हम दोस्त हैं लेकिन अभी दुश्मनी बन जाए तो अगर उसे मार दें। पर कैसे? एक काम तुम्हें ही करना होगा। पर इसमें मेरा क्या फायदा होगा? 50-50 कम है क्या? ओके ओके। एक हसीन लड़की अगर मर्द के सामने हो तो फिर कोई भी काम बहुत आसान हो जाता है। लेकिन उसके बारे में सब जानकर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ये सब एक खेल है, कैसे करोगी वो मैं देखता हूं। ये लो, रख लो इसे। तुमने फोटोज क्यों खींची? ऐसे ही रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। ये मेरी मदद करने के लिए। तुमने तो कहा था 50-50, तो फिर अब क्या हो गया? खेल बदल बदल कर खेलने से हिसाब भी बदलता रहता है। अभी ये तुम लेकर चली जाओ, जरूरत पड़ी तो तुम्हें दोबारा ही बुलाऊंगा। धोखेबाज कहीं के। ये रिवॉल्वर मैंने ही तुम्हें दिया था, इसके अंदर सिर्फ एक ही बुलेट थी जिससे तुमने इसको मार दिया है। इसको मारते वक्त अगर तुम्हारा निशाना चूक जाए ये सोचकर मैंने इसमें एक और बुलेट डाली थी। औरतों का मन अचानक भटक जाया करता है। पैसे वालों के हाथ में रहने वाला पैसा हमारे हाथ आना चाहिए ना, यही तो खेल है और ये काम एक खिलाड़ी ही कर सकता है। यहां इस वक्त चाहूं तो मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि अगर मुझे कोई नया खेल खेलना हुआ तो तुम्हें आगे कर दूंगा। सिसली, यहाँ सर्दी बहुत होती है तो मुझे गर्म रखने के लिए तुम आसपास होनी चाहिए ना। Thank you.
तुम यहाँ ऐसे जमाई लेते रहोगे तो मैं भला शांति से कैसे सो सकता हूँ? उन लोगों ने आने को बोला था लेकिन अभी तक आ ही नहीं। अरे रोमियो, तुम ऐसे ही जमाई लोगे तो मच्छर तो आकर के घुस ही जाएगा ना मुंह में। एक तो सुबह तुम इतनी देर से उठते हो और रात को तुम जल्दी सो जाते हो। तुम्हें भगाना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, दूसरा मिलता ही नहीं है मुझे। मालिक को कितनी तकलीफ होती है सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। दांत दिखाता है मुझे। कस्टमर के चेकआउट होने तक तुम्हें नींद नहीं आई, मस्ती से घूम रहा था जैसे घर का जमाई हो। रोक मत, ले 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 ले। सुन, यहाँ पुलिस आने वाली है। हमारा भाग्य अच्छा है कि कस्टमर चेकआउट कर गया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। लगता है वो लोग आ गए। नमस्ते सर। हाँ, वो किशन कुमार मैं ही हूँ सर। आप लोग यहाँ आ रहे हैं ये बात जॉन साहब ने हमें बताई थी। अब ये खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, साहब लोग का सामान लेकर आओ। लता एक ब्राउन ओमनी कार से कोई रूम के लिए आया था क्या आज? यहाँ पे कोई नहीं आया सर। सुबह सुबह शायद कोई आया हो, जरा ध्यान से सोचो। क्या बात है सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जो भी लोग आते हैं जंगल में घूमने जाते हैं। जिनको तमिलनाडु जाना होता है वो चेक पोस्ट से पहले यहाँ आकर के रूम ले लेते हैं। ओके मिस्टर किशन। सर ठीक है सर। ब्राउन ओमिनी, ऐसा लगता है कि मैंने उस गाड़ी को कहीं तो देखा है। आज सुबह मैं नल्ला एस्टेट के मैनेजर से मिलने गया था, तब सड़क के किनारे एक ब्राउन ओमिनी को देखा था मैंने। उसी समय मुझे कुछ शक तो हुआ था लेकिन पास में नहीं गया, अगल बगल देखा तो कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस लौटा तो वो ओमिनी वहां पे नहीं थी। मेरा शक और भी बढ़ गया, इसलिए मैं वहां रुका नहीं। KL01L405 उस ओमनी का नंबर है, क्या ये पक्का है? जी सर। यहाँ इस इलाके में सिर्फ दो ही रियासत है ना? हाँ, वहाँ पे काम करने वाले का घर है सर, और लंदन वाले फ्रांसिस का बंगला भी है वहाँ पर। क्यों सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा सुनो, अभी तुम यहाँ से जाओ, कोई जरूरत पड़ी तो आवाज दे दीजिएगा। चलता हूँ सर। गोपी सर, हमें कल सुबह किस रूट से जाना है ये उस किशन से जानना होगा। जरूर सर। एक बंगला, दो रियासत और यहाँ नौकरों के लिए रहने का घर, मुझे लगता है वो लोग यही कहीं छुपे होंगे। अगर ये बात है तो आगे का क्या प्लान है सर? मैं समझा नहीं। मेरे कहने का मतलब है वो लोग बहुत स्वार्थी हैं, हमें पक्का कोई ना कोई फायदा होगा ही। क्या फायदा होगा? इतने सालों तक अच्छा काम करने के बाद भी सिर्फ आपको सस्पेंशन ही मिला ना सर। गोपी सीधे मुद्दे पर आओ। बैंक तो अपने आप को संभाल लेगा, कस्टमर के डिपॉजिट पैसे उसे वापस करने ही पड़ेंगे। अगर हम लोगों ने वो पैसे ढूंढ के नहीं दिया तो भी उन्हें वापस करना है, सही बोल रहा हूँ ना? क्रिमिनल्स के द्वारा बैंक से लूटा हुआ पैसा अगर हमने ढूंढ के दिया तो सिर्फ वाहवाही ही मिलेगी हमें, लेकिन पैसों के साथ अगर वो लोग हमारे हाथ लग गए तो हम उन्हें रास्ते से हटा देंगे और फिर वो पैसा हम आपस में बांट लेंगे। सर, हमारी आज की बनाई कहानी ही कल की सच्चाई होगी। नहीं 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 नहीं, सिसली तुम दो सबको। धन्यवाद।
दोस्तों अब अपनी पार्टी को शुरू करते हैं और जब तक सुबह नहीं हो जाती एंजॉय करते हैं। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। सिसली, कोहरा छाया हुआ है, इतनी रात में इन जवान लड़कों और इस बूढ़े के लिए तुम थोड़ा सा तो डांस कर ही सकती हो। शुरू हो जाओ। Hey, क्या हुआ तुम्हें? धीरे बोलो, बताती हूँ। दोस्ती करके भरोसा दिला के मैंने एक धोखा देने वाले बूढ़े की कहानी सुनी है, वो मुझे आज तक याद है। उस दिन मैंने आपकी आंखें देख के आपके मन में क्या चल रहा है समझ लिया था। आप धोखेबाज हैं और वही धोखा मैं आज भी इन आंखों में देख रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था सच्ची दोस्ती और बिजनेस में धोखा नहीं होना चाहिए। सिसली, तुम जो कह रही हो, हमारी पहचान होकर बस अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, लेकिन मैं सकीरिया से ज्यादा तुम पर भरोसा करती हूँ। हमें किसी भी तरह यहाँ से पैसे लेकर जल्दी से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो ये गेम खत्म होते होते हमारी जान भी चली जाएगी। पैसों के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, शैतान है वो, उसका नाम है सकीरिया। जल्दी करो, जल्दी, दरवाजा बंद है। अलो सूर्य,
जाएगा। हमें किसी भी हाल में यहाँ से निकलना होगा। चलो। वक्त यहाँ आ जाएगा। आने दो से। हाँ। मैं देखता हूँ। तुम उसके सामने मत जाना, कभी नहीं। तो फिर गले लगाओ। क्या? जल्दी करो। हाँ। अच्छा।
सब खत्म हो गया है ना? अभी सब खत्म हुआ है। खेल कैसे शुरू करना है और उसे कैसे खत्म करना है ये सिर्फ शकरिया ही जानता है। मैं विधि के विधान की अलग ही रचना हूँ। मैं सबसे शानदार खिलाड़ी हूँ। सुप्रभात सर। सुप्रभात। ब्लैक टी सर। धन्यवाद। आपकी चाय सर। साहब आप लोग तमिलनाडु जाने वाले हैं क्या? अभी तक कुछ सोचा नहीं है। ये तो लंदन वाले बंगले में रहने वाले साहब है ना? हाँ? फ्रेंच दाढ़ी लेकिन आदमी तो वही है। साहब आप इन्हें जानते हैं क्या? क्या हुआ साहब, कोई समस्या है क्या? नहीं, ये मेरा पुराना दोस्त है। अगर ये बंगले में होगा तो मैं जाकर मिल लेता हूँ। सुबह दौड़ने जाते समय इन्हें देखा था मैंने। वहाँ पे फ्रांसिस सर और ये उस बंगले में मिल सकते हैं। मैं अपना काम करता हूँ सर। ठीक है सर। हाँ। ये किसका फोटो है सर? थॉमस फर्नांडिस, फारिद हुसैन, महेश पटेल, ऐसे बहुत सारे नामों से जाने जाने वाला एक खतरनाक क्रिमिनल। इंडिया के बहुत सारे राज्यों में इसके ऊपर क्राइम का केस है। पुलिस इसे आज तक पकड़ नहीं पाई। मुंबई पुलिस को ऐसा लगता है कि उस बैंक डकैती में इस आदमी का कुछ हाथ हो सकता है, इसलिए एसपी श्रीनिवास ने इसकी तस्वीरें मेरे पास भेजी है। सर, हम शक कर रहे हैं ओमनी से जुड़ा हुआ
फारिद हुसैन का इस बैंक रोबरी में कनेक्शन होने का कोई चांसेस है क्या? शायद ना भी हो, लेकिन हम उसे ऐसे छोड़ तो नहीं सकते ना। उससे फायदा तो हमें ही होगा सर। एक ऐसा क्रिमिनल जिसे बहुत सारे केसेस में पुलिस ढूंढ रही है, उसका फेम और साथ में हमारे हाथ लगने वाले करोड़ों रुपए। सही कहा, अगर सब सही तरीके से हुआ तो ये गेम हम जीत जाएंगे, लेकिन हम जिसका सामना करने जा रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन पहले जो जगह बताई थी ना, अब वहां नहीं आना है। उदयगिरी वाटरफॉल्स के पास पहुंचकर मुझे फोन करना। ओके ठीक है भाई। ओके पुलिस वाले हैं। ओके मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? हमें इस ओमनी और बंगले को सर्च करना है। अच्छा क्या आप थॉमस फर्नांडिस हैं? नहीं, मैं हूं सकरिया, सकरिया विलियम्स। सर Thank you.
बॉस कहीं के गौरी रोक Hmm.